हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आज 75 डेज कंप्लीट हो गया मेरा फ्लीट मैनेजमेंट में। और फ्लीट मैनेजमेंट में क्या मतलब, शिप पे भी 75 डेज, फ्लीट मैनेजमेंट में भी 75 डेज, क्योंकि ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है मेरा फ्लीट मैनेजमेंट में और डायरेक्ट एज अ थर्ड ऑफिसर आए थे। सो कैसा रहा मेरा ये 75 डेज? मतलब खुश हैं कि नहीं फ्लीट मैनेजमेंट से, या फिर हम फ्लीट मैनेजमेंट में मतलब कैसा लग रहा है हमको? मतलब बहुत लोगों को डाउट भी रहता है कि हाँ फ्लीट मैनेजमेंट कैसा है वहाँ पे, मतलब ऑफिसर्स की लाइफ कैसी है, ऑफिसर्स क्या क्रू की भी लाइफ कैसी है, और कंपनी ज्वाइन करना मतलब वर्थ इट रहेगा कि नहीं, जो स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है तो वो भी डाउट में कि क्या फ्लीट मैनेजमेंट सेलेक्ट करना सही है। सो सबसे पहले तो मेरा स्माइल देख के ही पता चल रहा होगा कि हम खुश हैं कि नहीं फ्लीट मैनेजमेंट से। सो जाहिर सी बात बहुत खुश हैं, और मतलब खुश हैं तभी हर 2-3 दिन पे मेरा वीडियो आते रहता है। हाँ मतलब अभी 75 डेज हुआ है। सो कैसा था ये मेरा 75 डेज, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो पहले तो बहुत डर लगता था, मतलब एज अ थर्ड ऑफिसर ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था। सो थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कैप्टन कैसे होंगे और फिर बाकी लोग कैसे होंगे, मिक्स क्रू है। इससे पहले हम कभी मिक्स क्रू में थे नहीं, इससे पहले जिस कंपनी में थे वो फुल इंडियन कंपनी था। सो थोड़ा सा टेंशन भी था कि मिक्स क्रू होगा तो कैसा होगा, बट जब आए तब सबसे अच्छा चीज जो मेरे साथ हुआ है मतलब वो था कैप्टन। मतलब लकी थे जो, मतलब ऐसा भी हम और चीफ ऑफिसर कभी कभी बात करते हैं तो हम लोग उस कैप्टन को मतलब एज अ गॉड डिनोट करते हैं कि वो मतलब एकदम भगवान आदमी थे। मतलब कहते हैं ना, मतलब एकदम जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाया जाता है, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाया जाता है, वैसे वो हमको थर्ड ऑफिसर का काम सिखा रहे थे। मतलब पूरे टाइम वो थोड़ा सा वीडियो रोल हो रहा है, मतलब शिप रोलिंग हो रहा है इसलिए वीडियो ऐसे 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 से हो रहा है, तो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, वीडियो पे ध्यान दो। सो मतलब जब भी कुछ भी होता था तो वो हमको साथ में रखते थे और फिर एक एक चीज करके बताते थे कि देख थर्ड ऐसे होगा, देख ये ऐसे होगा, देख ये ऐसे करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। मतलब पहले महीने तो एकदम हमको बच्चे के जैसा ट्रीट किया गया जहाज पे। मतलब लिटरली मतलब एकदम छोटा बच्चा जो होता है ना उसके जैसा ट्रीट किया गया। कैप्टन हर चीज मतलब साथ में रख के बताते थे, सब कुछ वही करते थे। मतलब पहला महीना जो था, मतलब ये बहुत रेयर होता है कि कोई कैप्टन खुद से कर रहे हो और साथ में थर्ड ऑफिसर को लेके सिखा रहे हो कि यहाँ देखो ये। बाकी सब जगह तो थर्ड ऑफिसर गाली सुनने लगता है। सो वो हमको साथ में लेके सिखाते थे, जैसे मेरा पहला पेपर वर्क था सारा लिटिल 10 के लिए। सो वही सब कुछ करते थे, मतलब वो हमको बोलते थे कि ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। फिर बाद में हमको बुलाते थे कि आओ इधर और देखो, और फिर सब कुछ वही खुद कर देते थे। मतलब बोलते हमको थे, करते खुद ही थे और सब कुछ सिखाते थे। मतलब बहुत अच्छा वो तो कैप्टन का, मतलब वो तो वो हमको सिखाते थे, वो अलग चीज है। चीफ ऑफिसर भी एकदम बच्चे के जैसा ट्रीट कर रहे हैं हमको। मतलब हर चीज में मतलब कुछ भी हो रहा है, अरे थर्ड ऑफिसर कहाँ है, थर्ड ऑफिसर को देखो। वहां पे हम लोग का लिटिल 10 और ब्लफ में एक कार्गो सर्वेयर आता था, सुपरिटेंडेंट आता था, वो डेली चीफ ऑफिसर के लिए चॉकलेट लेके आता था। अब वो चॉकलेट लाके चीफ ऑफिसर को देता था और चीफ ऑफिसर वो चॉकलेट मेल ले रख देते थे कि थर्ड ऑफिसर आएगा तो चॉकलेट खाएगा। अब वो चीफ ऑफिसर का छोड़ दो। उसके बाद बोसन हमारा, बोसन कुछ भी होगा, अरे तीन साहब इधर आओ, ये देखो ये चीज ऐसे करते हैं और इसको अच्छे से कर लेना, अगर ऐसे कोई बोले तो ये कर देना, उसको ये काम बोल देना, उसको ऐसे करवा लेना। मतलब वो भी एकदम मतलब होता नहीं है कि सबको पता था कि ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है एज अ थर्ड ऑफिसर, इसी वजह से सब इतना मतलब बच्चे के जैसे ट्रीट कर रहे थे। मतलब कभी कभी अच्छा भी लगता था,
बट कभी कभी लगता था अरे यार क्या हो रहा है, मतलब बच्चे थोड़े ना, मतलब फिर भी ठीक था, अच्छा था। फिर चीफ ऑफिसर साथ में शोर लीव लेके जा गए, फिर मतलब इन यहाँ तक कि डेक तो डेक, इंजन वाले भी, इंजन वाले में थर्ड इंजीनियर हमारे, वो भी एकदम मतलब ध्यान रख रहे हैं कि हाँ थर्ड ऑफिसर का ये काम है, लाइफ बोट में जा रहे हैं तो अरे थर्ड तीन साहब आपका ये काम है तो थोड़ा देख के कर लो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। पहली बार एयर बोतल भर रहे थे, पता है हमको एयर बोतल भरना ठीक है, बट चीफ ऑफिसर बोले कि फोर्थ इंजीनियर को ले लो या थर्ड इंजीनियर को ले लो। तो थर्ड इंजीनियर आए मेरे साथ, अब वो मतलब हम बस चुपचाप ऐसे करके खड़े हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज था, मतलब अभी पहला 2 महीना तो, मतलब पहला 2 महीना तो एकदम ऐसा लगा कि हाँ हम ट्रेनी थर्ड ऑफिसर हैं, मतलब सब कोई हमको सिखा रहा है। फिर अभी कहते हैं ना कि जैसे ही सरकार चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, तो हमारा भी सरकार बदला, अभी के भी हमारे कप्तान साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका बिहेवियर अच्छा है, फिर बातें अच्छा करते हैं। बट तो देखो कैसा रहता है अगला 4 महीने 5 महीने निकालना है, मस्त ये भी निकल जाए, उसके बाद से घर, मतलब अभी से ही घर जाने की उल्टे गिनती शुरू कर दी है। 2 वॉयज तो करना है, अभी फिर से न्यूजीलैंड वापस जा रहे हैं, वहां से लॉग लोड करके वापस आ जाएंगे चाइना, उसके बाद 1 वॉयज करके आराम से मजे मार के घर। तो चलो ये था मेरा पिछले 75 डेज का कहानी। ऐसे शिपिंग अच्छा है, शिपिंग वो मतलब वर्ल्ड सी फेयरर्स का लाइफ, मजा तो है, थोड़ा आदमी परेशान हो जाता है कभी कभी मतलब घर से दूर रह के, बट हाँ ओवरऑल सब कुछ सही है। मतलब ये 75 डेज इतना जल्दी निकला ये पता ही नहीं चला, ऐसे दिन ऐसे 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 करके उड़ते जाता है। अभी देखो रात का 1 बज रहा है, हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, फिर सो जाएंगे, सुबह में उठेंगे वॉच करेंगे, फिर थोड़ा काम करेंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर वॉच करेंगे फिर सो जाएंगे, मतलब यही सब हो ही रहा है जिंदगी में। चलो तुम लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करो, IMU CET तो हो गया, स्पॉन्सरशिप फेब बैच का। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।